भारतीय सिनेमा में रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कई मूवीज़ बनी हैं। शेरशाह से लेकर राजी तक ऐसी कई फिल्में हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और इन्हें देखकर दर्शकों को भी भारतीय सेना और इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिडन अचीवमेंट्स का पता चलता है। इसी कड़ी में विद्युत जामवाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म IB-71 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है, जिसमें 1971 के एक सीक्रेट मिशन के बारे में बताया गया है। 2 मिनट का ये ट्रेलर इतना दिलचस्प है जिसे देखकर फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ना लाजमी है। विद्युत जामवाल ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी अपकमिंग मूवी IB-71 का ट्रेलर लॉन्च किया। यह फिल्म 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, जिसमें उनके साथ अनुपम खेर भी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। इस फिल्म को संकल्प रेड्डी ने डायरेक्ट किया है, तो वहीं विद्युत जामवाल और अब्बास ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म के ट्रेलर को पोस्ट करते हुए विद्युत जामवाल ने कैप्शन में लिखा, 30 एजेंट 10 डेज और एक टॉप सीक्रेट मिशन जो 50 साल तक छुपा रहा। इस अविश्वसनीय सच्ची कहानी के साक्षी बने जिसने हमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत दिलाई। इस फिल्म में 1971 के उस सीक्रेट मिशन को दिखाया गया है जब भारत पर चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। इसी दौरान 30 एजेंट ने 10 दिन तक एक सीक्रेट मिशन किया, जिसमें आईबी एजेंट के रूप में विद्युत जामवाल नज़र आ रहे हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि 10 दिन में भारत पर अटैक होने वाला है। इस पर विद्युत सुझाव देते हैं एयर स्पेस ब्लॉक करके चाइना और पाकिस्तान को ईस्ट में रोका जा सकता है, और तभी से शुरू होता है उनका यह सीक्रेट मिशन। इस फिल्म में अनुपम खेर एक सीनियर ऑफिसर की भूमिका में नज़र आ रहे हैं और उनका किरदार भी बेहद दमदार दिख रहा है।